गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टाइलिश कुर्ती, सलवार या फिर प्लाजो के डिजाइन आप कैसे बनवा सकते हैं। इस वीडियो का ये मैं थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ दो पार्ट शेयर किए हुए हैं और वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी। एंड यहाँ पर भी मैंने काफी सारी कुर्ती प्लाजो सेट्स यहाँ पर इकट्ठा कर लिए हैं जिसके डिजाइन्स आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल हैं सारे ही डिजाइन्स और बहुत ही यूनिक हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये डिजाइन जरूर पसंद आएंगे और अगर पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को आप 5000 लाइक्स तक जरूर पहुंचाएं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आप अपनी कुर्ती सिंपल से सूट को स्टाइलिश और बहुत ही यूनिक कैसे बना सकते हैं। एंड आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट ड्रेस है वो कुर्ती प्लाजो सेट है एंड ये ड्रेस मैंने अनस्टिच्ड खरीदी थी, मतलब बिना सिली हुई खरीदी थी, कपड़ा खरीदा था केवल। तो ऐसी ड्रेसेस हम अक्सर खरीद के लाते हैं मार्केट से बट समझ नहीं आता कि इसको बनवाएं कैसे। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे आइडियाज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसकी कुर्ती जो कि सिंपल मुझे प्लेन इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक मिला था। तो ये देखें आप, इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड पर काफी लॉन्ग कुर्ती बनवाई है ये मैंने, और ऊपर की साइड पर यहाँ पर नेक के पास मैंने ये पाइपिंग लगवाई है, इस तरीके से दिख रहा होगा ये। एंड नेक पर ये आप देख सकते हैं, ये पट्टी वाली कॉलर स्टैंड वाली पट्टी लगाई है, बटन स्टैंड वाली। और यहाँ पर मैंने तीन बटन लगाए थे बट एक बटन यहाँ पर निकल गया है अभी, तो यहाँ पर दो बटन आपको दिख रहे होंगे। तो ये काफी इस तरीके के स्टोन वाले मैंने बटन लिए थे, यहाँ पर तीन बटन लगा रखे थे। तो इस तरीके का ये यहाँ पर नेक मैंने बनवाया है। तो बहुत ही सिंपल एंड सोबर इसका कलर है, क्रीम कलर का है, बट साथ ही साथ इसमें ये ग्लिटर जैसा जो जरी का काम दिया हुआ है ना, ये इसको थोड़ा सा हैवी लुक देता है, सिंपल सोबर और सोफिस्टिकेटेड बनाता है। तो ये है इसका आगे का नेक। एंड बैक नेक पे मैंने थोड़ा सा काम करवाया था क्योंकि बैक क्या होता है, हमें हमेशा प्लेन मिलता है, तो इस तरीके का मैंने ये बैक नेक बनाया है इस तरीके से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्टाइलिश है ये नेक, बैक का वी शेप में बनाया है, इस तरीके का नेक है। यहाँ पर साइड में करीब 8 या 10 लूप्स लगाए हैं और इसके अंदर मैंने ये दुपट्टे के कलर का ये डोरी लगाई है। तो बहुत ही सुंदर सा ये मेरा नेक बनकर बैक नेक इस तरीके से रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग आप जाकर देख सकते हैं मेरे मेन चैनल कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स पर, वहां पे मैंने इसकी स्टिचिंग शेयर की है आप लोगों के साथ। आप लोग बोलते हैं कि आप बनाया कैसे है, आप ये दिखाएं। तो अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप खुद बना सकते हैं, या आपको नहीं आती है तो आप अपने टेलर से बनवा लीजिए। देखिए इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप अपने टेलर से दिखाकर बनवा सकते हैं बिल्कुल एज इट इज। तो बहुत ही सिंपल और सोबर सा डिजाइन है, आप इसको अपनी सिंपल से ड्रेसेस में बनवाइए, या फिर अगर आप कोई हैवी बनवाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक साइड पर ये लूप्स एंड ये लगाई है डोरी, आप दोनों साइड्स पर लगवा सकते हैं और यहां से निकालते हुए डोरी को यहाँ पर आप लटकन लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप हैवी लुक दे सकते हैं अपने एक सूट को। एंड मेन चीज क्या है, इसको मैंने बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बनवाया है एंड दामन पर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी ये लेस लगाई है और पाइपिंग के साथ ये गोटे वाली मैंने लेस लगा दी है, नोक वाली इस तरीके की। और सबसे ब्यूटीफुल है इसकी स्लीव्स, तो इसकी स्लीव्स मैं आपको दिखाती हूँ जो कि है इस तरीके की। तो यहाँ पर बटन्स के साथ मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा काम कराया था इस तरीके का, और यहाँ पर पिनटेक्स के साथ, तो यहाँ पर मैंने बनाई है ये 1, 2, 3, 4 पिनटेक्स बनाई है और यहाँ पर बटन्स लगाए हैं। तो बटन का कलर देख रहे हैं आप कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके के यूनिक कलर्स और पेस्टल कलर्स लीजिए जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और आपको बिल्कुल अलग बना देंगे, लाइक बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। सो इस तरीके से मैंने ये तीन लूप्स और बटन्स लगाए हैं यहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है इस पूरी कुर्ती को। तो दोनों स्लीव्स पर सेम डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है एंड स्लीव्स की भी डिजाइनिंग आप देख सकते हैं मेरे मेन चैनल जाकर। एंड इसकी प्लाजो बिल्कुल सेम क्रीम कलर का है बट बहुत ही सुंदर सा है,
तो सिंपल ऊपर मैंने इलास्टिक डाल के बनाया है एंड ये साइड में आपको दिख रही होंगी यहाँ पर पॉकेट्स लगाई हैं, प्लाजो पैंट बनाया है ये, तो आप देख सकते हैं सिंपल सा है। और नीचे की साइड पर बॉटम की साइड पर ही मैंने डिजाइन बनाया, देख सकते हैं आप कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी ये लेस ली है मैंने गोल्डन कलर की, क्योंकि इसमें मेरे सूट में जरी का वर्क था, तो आपके सूट में जिस भी कलर का वर्क हो आप वो वाली लेस लगवा सकते हैं अपने बॉटम पर इस तरीके से। और सिंपली मैंने यहाँ पर पोटली बॉल्स लगाई हैं साइड में, जो कि पहनते हैं ना तो इतना ज्यादा सुंदर लगता है ये डिजाइन। तो ये कुछ इस तरीके से मेरी प्लाजो पैंट का डिजाइन रेडी हुआ है। एक बार मैं आपको दोनों का इस तरीके से दिखाती हूँ। दोनों ही डिजाइन इस तरीके से हैं दोनों पैंट्स के। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन, आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आप ऐसे बनवा सकते हैं और इनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप सेपरेटली जाकर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली डिजाइन दिख कैसा रहा है। बट मैं आपको साइड में फोटोज भी अटैच कर दूंगी कि पहनने के बाद कैसा लग रहा है, बट अभी तक मैंने इसे पहना नहीं है। इसके लिए मैं इसकी एक पिक क्लिक करवाऊंगी। एंड इसके साथ है बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा गाइस, जो कि बहुत ही मतलब इसको अमेजिंग बनाता है पूरे सूट को, जो कि है इसका दुपट्टा, इस कलर का दुपट्टा है। कलर देख रहे हैं कितना ज्यादा सुंदर है। और इसी कलर का मैंने पाइपिंग लगाई है और बटन बटन लगाई है। एंड प्लाजो पैंट पे सेम कलर की ये मैंने पोटली बॉल्स लगाई हैं, तो ये कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। इस तरीके का है दुपट्टा, पूरा टिश्यू का दुपट्टा मैंने इस तरीके से लिया था, और बीच में आप देख सकते हैं इस तरीके की एम्ब्रॉयडरीज हो रखी है। और टिश्यू दुपट्टा आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, टिश्यू वाले साड़ीज भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप वो भी जाकर ले सकते हैं। एंड चारों साइड्स पर इस तरीके की गोटा वाली लेस लगी है, तो अगर आपको दुपट्टा प्लेन भी है या फिर सिंपल एम्ब्रॉयडरी है कहीं बीच बीच में, उसमें भी आप साइड में इस तरीके की लेस लगाएंगे ना, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। और इसका दुपट्टा मुझे दुपट्टे की वजह से ही मैंने सूट लिया था, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था इसका दुपट्टा। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा सुंदर है इसका दुपट्टा। लाइक इस तरीके के जो सूट है ना आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, एंड आने वाले टाइम पे लाइक 2020 में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहेंगे। सूट और सलवार एक ही कलर का होता है, बट दुपट्टा डिफरेंट कलर का होता है, तो ये ट्रेंड बहुत जल्दी आने वाला है। एंड मैं आपके साथ एक वीडियो सोच रही हूँ शेयर करूँ कि आप ट्रेंड्स कैसे पहचान सकते हैं, तो अगर आपको देखना है ना तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो कि अगेन पेस्टल ग्रीन कलर का है, पिस्ता ग्रीन कलर कह सकते हैं इस तरीके का। और यहाँ पर सेंटर में ये मैंने पट्टी लगाई थी, इसके बॉर्डर में पट्टी दी गई थी, तो इसके बॉर्डर से कुछ पट्टी बची थी जो कि मैंने यहाँ पर यूज करी। इस तरीके की मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक पर बहुत ही सुंदर सा ये एक पट्टी वाला डिजाइन बनाया है इस तरीके का। एंड ये मैंने अपनी मामी के लिए बनाया था, उनको काफी ज्यादा पसंद आया ये डिजाइन। और यहाँ पर सिंपली फिर मैंने इस तरीके का क्या कहते हैं स्वीट हार्ट नेक बना दिया। इस तरीके का ये पूरा डिजाइन। एंड नीचे की साइड पर मैंने दिखा ही दिया है, बॉटम है नीचे की साइड पर, इसका कलर काफी ज्यादा सुंदर है। एंड इसके स्लीव्स का डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसके स्लीव्स का डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर है, जो कि मैंने गोटा पट्टी के इस्तेमाल से बनाया था, इस तरीके का है। एंड ऊपर जो इस तरीके के देख रहे हैं आप, इसमें जो कलर यूज हुए हैं कढ़ाई के लिए, वो सेम कलर के मैंने यहाँ पर कपड़े से इस तरीके के ट्राइंगल बनाते हुए ये डिजाइन बनाया है। इसको आप चाहें तो प्लाजो पैंट के बॉटम पे बना सकते हैं या फिर सलवार के पोछे पे बना सकते हैं। मैंने इसके सलवार के पोछे पे सेम डिजाइन बनाया है, बहुत ही सुंदर लुक देता है पूरे सूट को। ये है इसकी सलवार, फुल घेर वाली सलवार है। एंड सिंपल मैं आपको डिजाइन दिखा देती हूँ बॉटम का, जो कि इस तरीके का मैंने बनाया है। ये इसकी लंबाई होगी करीब 2 इंच की मैंने ये लंबाई रखी है, और ऊपर देखें आप तीन तीन का गैप लेते हुए इस तरीके का मैंने ये गोटा लगाया, और बीच में 1 इंच का ये गैप छोड़ा है, देन ये गोटा लगाया, गोटा नहीं ये ट्राइंगल्स लगाए हैं। और नीचे की साइड पर यहाँ पर आप देखें ये 4 लाइंस लगाई हैं मैंने गोटे पट्टी की, और देन यहाँ पर मैंने 3 इंच का ये डिस्टेंस छोड़ा है, अगेन फिर यहाँ पर इस तरीके से 4 गोटा लगाया है, फिर ये 3 इंच का डिस्टेंस छोड़ा है और 4 गोटे लगाए हैं, 4 गोटे की लाइनें लगाई हैं। तो इसमें आपका लाइक बहुत ही कम खर्च होने वाला है, और ये गोटा बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, केवल 20 रुपए में आपको 30 से 35 मीटर गोटा मिल जाता है। तो बहुत ही सुंदर लगता है इस तरीके का डिजाइन आना, होप कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, ये मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब मैंने उन्हें उनको बनाया उनके लिए बनाया था, शी वॉज लाइक
बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। सो इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि नॉर्मली जब आप स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट लेते हैं तो उसके साथ आपको मिलता है। तो इस तरीके का इसका दुपट्टा है, पूरे में कढ़ाई हो रखी थी बट इसके साइड्स में कुछ नहीं लगा हुआ था, तो इसके साइड्स में हमने ये गोल्डन गोटा लगा दिया जो कि पूरे ही दुपट्टे को एक अलग लुक देने लगा है। इस तरीके से दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो कि ग्रे कलर में है, एंड ग्रे कलर भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर हमने बनाया है, ये स्वीट हार्ट नेक एंड बैक पर राउंड नेक है, एंड इसके स्लीव्स बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। सो स्लीव्स पर इस तरीके का आप देख सकते हैं ये डिजाइन है, पिंटेक्स के साथ डिजाइन बनाया है, इस तरीके का डिजाइन बनाया, एंड ये जिगजैग वाली लेस लगाई है। तो दोनों ही जिगजैग वाली लेस हैं बट एक को मैंने अंदर की साइड पर रखते हुए और बाहर की साइड पे केवल इतना दिखाया है, आधा दिखाया है, और ऊपर की साइड पर ये ग्रीन कलर लगाया है। तो जो जो कलर इसमें यूज थे वही यूज किए हैं मैंने, इसको ग्रीन येलो कलर भी दिया है क्योंकि इसको मामी अक्सर रेड दुपट्टे के साथ पहन लेती हैं, गोल्डन दुपट्टे के साथ पहन लेती हैं। और यहाँ पर मैंने दो पिनटेक्स की लाइंस बनाई हैं। आप चाहें तो ये जो मैंने पिनटेक्स की लाइन बनाई है 7 से 8 लाइनें भी बना सकते हैं, उससे भी काफी सुंदर लुक आता है, बट उनको इतना ज्यादा हैवी नहीं चाहिए था, बट सिंपल सा चाहिए था। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको पिनटेक्स की लाइंस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दो लाइन मैंने पिनटेक्स की बनाई है, तो जो पोचे का डिजाइन है वो पिनटेक्स के साथ मैंने बनाया था, और ग्रे के साथ जो येलो कलर है ना बहुत ही सुंदर लगता है। तो पोचे पर जो डिजाइन बनाया है वो भी येलो कलर के धागे से बनाया है। तो आप भी कंट्रास्ट करके जब आप अपने पोचे का डिजाइन या फिर बॉटम का जो डिजाइन होता है इसको पाचे कहते हैं, तो इसका जो डिजाइन होता है ना अलग कलर से बनाएंगे तो काफी सुंदर लगेगा, लाइक कंट्रास्ट लुक आएगा। और यहाँ पर मैंने 3 लाइन की यहाँ पर पिनटेक्स डाली है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर 3 लाइन की हमने पिनटेक्स बनाई है, एंड यहाँ पर हमारा सिंपल जैसे हम पोचा बनाते हैं वो वाला डिजाइन आ गया है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट इस तरीके की ये मैंने जिगजैग वाली लेस लगा दी है। सूट के जो साइड्स होते हैं तरीके से ये वाले साइड्स, तो यहाँ पर भी आप ये वाली लेस को लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है आधा दिखाते हुए, तो आप आधा दिखाते हुए लगा सकते हैं। ये वाली लेसेस भी आपको आराम से मिल जाएंगी, लाइक अगर आपको नहीं मिलती है तो अमेजोन पे आप देख सकते हैं, ले सकते हैं वहां से, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी अगर मुझे मिली अमेजोन पे ऐसी कोई लेस रिलेटेड टू। बट ये इजिली आपको लेस शॉप से मिल जाएगी, लाइक 10 रुपीज मीटर में मिल जाएगी आराम से। सो नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ जो कि है प्लाजो का डिजाइन, एंड सेम ऐसे ही मैंने अपनी सूट के स्लीव्स पे भी बनाया था। सो सिंपली मैं यहाँ पर आपको प्लाजो का डिजाइन दिखा देती हूँ, ऊपर ये बेल्ट के साथ मैंने प्लाजो बनाया था, एंड ये पैरेट ग्रीन कलर का है, एंड ये कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आजकल, पता नहीं क्यों। सो ये है कुछ इस तरीके का डिजाइन देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। पहले हमने ये डोरी बनाई है, ये देखिए आप, पहले यहाँ पर डोरी बनाई है और उसको फिर गोल गोल करते हुए एक दूसरे में फंसाते हुए लगाया है। ये डिजाइन बिल्कुल यूनिक है गाइस, आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। तो इस तरीके का डिजाइन आप बनवा सकते हैं अपने प्लाजो पैंट की डिजाइन, प्लाजो पैंट के बॉटम पर या फिर अपनी स्लीव्स की बॉटम पर। तो मैंने ऐसा डिजाइन अपनी स्लीव्स की बॉटम पे भी बनवाया है, इस तरीके का डिजाइन आप बनवा सकते हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, लाइक जब जब मैं इसे पहनती हूँ ना तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जो कि है इस तरीके का। एंड ये सिंपली ही लाइनिंग वाला सूट है, एंड यहाँ पर इस तरीके का ये नेक था, तो नेक के ऊपर कुछ भी नहीं लगा था, साइड में मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग लगाई है, एंड पाइपिंग के ऊपर सेम बटन्स लगाई हैं, यहाँ पर 3 बटन्स लगाई हैं, और साइड्स में ये वाली लेस लगी हुई है। सो ये कराची टाइप का सूट है, इस तरीके का सूट है ये, फुल मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सो ये कराची टाइप का सूट है, इस तरीके का है ये पूरा सूट, बहुत ही सुंदर सूट है ये, इस तरीके का है, एंड बीच में ये स्टोन्स का काम है, बहुत ही सुंदर काम है। और सबसे खूबसूरत है इसकी स्लीव्स, मैं आपको इसकी स्लीव का डिजाइन दिखाती हूँ, इस तरीके की है। सो जितनी भी स्लीव्स आप मेरी देखेंगे ना वो 3/4 स्लीव्स ही है, तो ज्यादातर स्लीव्स में यहीं तक ही बनवाती हूँ, मुझे इतनी ही पसंद है। तो ये डिजाइन आप देख सकते हैं इस तरीके का है, ये जो स्टोन्स है ना ये मैंने बटन्स रेडीमेड खरीदे थे, तो ये स्टोन टाइप ऑफ बटन है, इसको हम पेस्ट करते हैं, इसको हम सिल नहीं सकते हाथ से, तो ये फैब्रिक ग्लू से पेस्ट हो जाता है, एंड लुक एट दैट डिजाइन,
इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, ओवरलैप करते हुए बनाया है ये डिजाइन, एंड पूरे में ये गोटे वाली लेस लगाई है। आप लोग पूछते हैं कि इसको बनाने में लेस कितनी लगी है, तो अगर मैं जोड़ू दोनों स्लीव से मिलाकर, यहाँ पर आपको 2 से 3 मीटर लेस ही लगेगी, 2 मीटर में आराम से हो जाएगा। देखो, छोटी छोटी चीजों को आप यूज करके ना बहुत ही अच्छी चीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का ये पूरा स्लीव्स का डिजाइन रेडी हुआ है, एंड बैक साइड पर बिल्कुल सिंपल नेक रखा है, क्योंकि फ्रंट ही पार्ट इतना ज्यादा हैवी हो गया है, तो इतना कुछ मैंने इसमें किया नहीं है, बट बहुत ही सुंदर सा सूट है ये। एंड इसके साथ मैंने बनाया था घेर वाला प्लाजो, तो ये भी एकदम सिंपल ही है, बट ऊपर की साइड पर इस तरीके से बेल्ट है, एंड नीचे की साइड पर ये इतना घेर वाला प्लाजो है, सेम कलर का सूट है। और नीचे की साइड पर आप देख सकते हैं इस तरीके की लेस लगाई है, जो कि इसको थोड़ा सा हैवी लुक देता है। मैंने अपना प्लाजो बनाया था, बहुत ही सुंदर और हैवी लुक आता है, पार्टी वेयर लुक आता है। एंड इसकी जो दुपट्टा है वो बिल्कुल प्लेन ही आया था मुझे, बट इस पे मैंने इस तरीके के स्टोन्स लगा लिए, एंड साइड्स में आप देखेंगे ये मैंने गोटा लगाया है, पतला वाला गोटा लगाया है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा हैवी नहीं करना था ये सूट, तो आप चौड़ा गोटा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतला गोटा लगाया है, एंड जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी उस कलर के मैंने यहाँ पर ये टेसल्स लगाए हैं, विच लुक सो अमेजिंग अगेन, जो कि बहुत ही सुंदर से सा सूट है, जो कि इस तरीके का नियॉन पिंक कलर का, और बिल्कुल ही प्लेन इस तरीके से आया था ये इस तरीके का फैब्रिक था। सो कोई भी कढ़ाई वाला फैब्रिक आप लेते हैं ना, तो मिल जाते हैं आपको मार्केट में, आई नो कि मिलते हैं। सो अब मिलते हैं या नहीं कमेंट्स में बताना यार, कैसे बात करोगे आप लोग मुझसे, कमेंट्स में बताना। सो इस तरीके के फैब्रिक्स मिल जाते हैं हमें मार्केट में, मुझे भी सिंपली मैं अपने घर के पास वाली मार्केट से ही लाई थी, बट इसमें मैंने क्या किया, ये ऊपर की साइड पर नेक बनाया है। पहले हमने कपड़े के ऊपर सिंपल नेक बनाया, देन साइड्स में ये मैंने पतली वाली गोटा लगाया है, एंड फुल आप देखेंगे इस तरीके का लुक आ रहा है इस नेक का, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। सो ये मैंने पटियाला सलवार के साथ बनाया है, इस तरीके का है ये पूरा नेक, और यहाँ पर थोड़े से हैवी बटन्स लगाए हैं, इस तरीके के हैवी बटन्स लगाए हैं, 3 बटन्स लगाए हैं, ज्यादा बटन्स ना लगाए क्योंकि फिर हमारा डिजाइन ढक जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हैवी बनाना था इस वजह से। एंड इसके बॉटम पर भी मैंने सेम इस तरीके की कपड़ा लगाया पहले, देन उस पर ये गोटे वाली लेस लगाई है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा बॉटम, ऐसे ही मैंने स्लीव्स के बॉटम पर भी बनाया है, तो सिंपल सा ही है पूरा सूट इसे। इसकी सलवार पर, पूरी सलवार पर मैंने इस तरीके का गोटे का वर्क किया है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जिगजैग घूम घूम में बनाया है, आप चाहें तो यहाँ पर तिरछा तिरछा करते हुए भी इसको लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। सो इस तरीके का जो है ये सलवार मैंने बनाया है, और यहाँ पर पोचा जो बनाया है वो थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, 3 इंच का बनाया है, तो इस तरीके की ये पूरी सलवार रेडी हुई है, एंड बहुत ही सुंदर सलवार लगती है ये, जब लाइक इसे हम पहनते हैं ना, तो इतना ज्यादा घेर आता है इसमें, फुल पटियाला है ये सलवार। ये सलवार कैसे बनानी है इसकी सेपरेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है अपने मेन चैनल पर, उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल है, लाइक बनाना इतना इजी भी, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही इजी है इस टाइप की सलवार बनाना। एंड इसके साथ मैंने बनाया है ये दुपट्टा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने साड़ी के फैब्रिक से दुपट्टा बनाया है, इस तरीके का ये साड़ी का फैब्रिक था। सो मैंने ये सिंपल सी लेस खरीद ली थी अपने सूट के मैच करती हुई, सो इसके चारों कॉर्नर्स पर इस तरीके से मैंने ये लगा दिया था, इसके 4 कॉर्नर्स पर, और ये बहुत ही सुंदर सा सूट हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही लगे से जब पहनते हैं ना, तो बिल्कुल पटियाला वाला लुक आता है, पंजाबियों वाला लुक आता है। सो ये इसका दुपट्टा, सूट और सलवार, आई होप कि ये वाला डिजाइन ना आप जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा खूबसूरत। और लास्टली जो है वो बहुत ही सुंदर सी स्लीव्स का डिजाइन है, इस तरीके का है वो डिजाइन। सो ये मैंने येलो एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन करते हुए बनाया था, अगेन 3/4 स्लीव्स है ये। सो इस तरीके के ट्रायंगल्स वाला है ये डिजाइन, आप करीब से देखें जरा इस तरीके से। सो दोनों साइड्स पर ये ट्रायंगल लगा लिए हैं, और इसके बीच में ये मोती लगाया है, बहुत ही सुंदर लुक देता है। एंड दोनों साइड्स पर ये इस तरीके की पाइपिंग लगाई है, जिससे कि रॉ एजेस जो है वो ढक जाएं, तो इस तरीके का ये रेडी हुआ है। एंड यहाँ पर सेंटर में मैंने सिंपल
सिंपल जो हमारी इस तरीके का पैच आया था तो ये लगा दिया, और बीच में ये मैंने कपड़े के बटन्स लगाए हैं बनाकर इस तरीके के। सो ये बहुत ही सिंपल और सोबर डिजाइन होते हैं, जिसको आप अपने नॉर्मल प्रिंटेड कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके का ये सिंपल सा ही डिजाइन है, एंड इसके साथ मैंने बनाया है ये सिंपल सा प्लाजो, एंड प्लाजो पर है अगेन बहुत ही प्रिटी सा डिजाइन एंड यूनिक डिजाइन। और इस डिजाइन को आप चाहें तो स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके डिजाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट होते बहुत ही बनते बहुत ही सिंपल ट्रिक से हैं। तो ये थे मेरे आज के सारे डिजाइन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप जानते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ, मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।